और मैं बिहार से आई हूँ। पहले हम मेरा शादी 15 साल पहले हुआ था, तो हम पहले 15 साल हम घर में थे, तो हमको लगता था कि हम घर के अंदर में कैद है। हम लोग ऐसे क्षेत्र में जो किसी चीज़ का जानकारी नहीं मिल पाता है, बाढ़ आती है तो हम लोग माने एकदम पानी हो जाता है, जो पाँच माने हम लोग को डूबा हो जाता है जहाँ हम लोग को घर है। और जो घर में हम लोग पहले से कुछ व्यवस्था करके रखते हैं, या सत्तू हो, चूड़ा हो, या राशन की जो घर में अपना उपलब्धता रहता है वही खा के हम लोग रहते हैं, 10 दिन हो, महीना दिन हो, 2 महीना हो। लेके जा रहे हैं उनको हम सिखलाएंगे, तो हमको लगता है जो महिला सीख के अपनी बेरोजगारी को दूर करके वो अपने साथ मेहनत करके खेती करेंगे, तो हम लोग जो माने विधि बताया गया है वो विधि से उनको बतलाएंगे, तो वो अपनी आमदनी खुद बना के अपना बाल बच्चे को पोषण कर सकते हैं। तो पहले हम महिलाओं में जाके एकता बनाएंगे, सशक्तिकरण का जो मुद्दा जो चल रहा है संगठन, उसको पहले हम लोग जाके बनाएं। महिला किसान के बारे में जो बतलाई हैं दीदी लोग, वो हमको बहुत खुशी हुआ है कि पुरुष लोग तो चले जाते हैं, बच जाती है घर में महिला, तो महिला अपने से मेहनत करके अपने से 2 पैसा उपार्जन करके और परिवार का भी पोषण करेगी, अपना जो मेंटलिटी होता है वो भी पूरा कर सकती हैं। उसके बाद आमदनी होने के बाद तो उनका अनेक रंग का ख्वाब रहता है कि हम घर बनवाएं, हम लोग के पास घर नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए जो शौक होता है वो भी नहीं पूरा करते, तो वो तो अपना उस आमदनी से कर सकती हैं।